यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरी फोन है वो बहुत ही पुरानी फोन है, Redmi की Note 7 Pro, लेकिन इसमें मैं iPhone की फिल्टर लगाया एंड उसके बाद की क्वालिटी देख सकते हो जो कि बहुत ही सही आ रही है। तो सोचो आपके पास जो लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन होगा उसमें ये फिल्टर से आपके फोन की कैमरे को रियल iPhone की तरह कैप्चर करके देगी। सो गाइस वेलकम बैक अगेन टू दीपक क्रिएशन चैनल विद अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मैं आप लोग को ऐसे टॉप 10 फिल्टर बताने वाला हूँ स्नैपचैट के लिए, जिसे आप अपने एंड्रॉइड फोन की कैमरे से भी iPhone की कैमरे की तरह फोटो ले सकते हैं, जिसे अब आप अपनी बोरिंग कैमरे को ऑसम बना सकते हो। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहना, मैं आपको ये टॉप 10 फिल्टर बताऊंगा भी एंड साथ ही प्रैक्टिकली टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड आज के वीडियो के लाइक्स की टारगेट है ओनली 100 लाइक्स की, तो प्लीज यार 100 लाइक कंप्लीट करा देना। एंड जैसे 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मोडी डार्क वाली फिल्टर दिखाऊंगा। जैसे आज आईफोन के लिए लाया हूं वैसे आपको मोडी डार्क की टॉप 10 ऑसम फिल्टर लाऊंगा, जिससे आप अपनी तगड़ी सेल्फी ले सकते हो एंड बैक कैमरे से फोटो भी ले सकते हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना स्नैपचैट ऐप को ओपन कर लेनी है एंड इसके अंदर जो फिल्टर है आपको मैं एक एक करके नाम बताते जाऊंगा एंड साथ ही आपको उस फिल्टर को ट्राई करके भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले सर्च वाले आइकॉन को प्रेस करना है यहाँ पे फिल्टर सर्च करने के लिए, और यहाँ पे कौन कौन सा फिल्टर है उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो फर्स्ट नंबर में जो आपको फिल्टर बताऊंगा आईफोन के लिए, तो इसमें आपको लिखना होगा GRNNARY, सेम आपको लिखना है तभी आप प्रीसेट को फाइंड कर पाओगे। और स्नैपचैट में फिल्टर फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आप पिक्चर को ही देख के फाइंड करना। लाइक आप इस वाली पिक्चर को देख सकते हो एंड उसके नीचे में लिखा है ग्रीनरी के नीचे में सॉफी, मतलब जिसने अपलोड करा है ये वाली फिल्टर को उसका नाम लिखा है, उसी से आप एग्जैक्ट फिल्टर को फाइंड कर सकते हो। तो ये वाली एक फिल्टर है, तो जस्ट इसे ओपन करूंगा एंड यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाली जो आईफोन की फिल्टर है वो बढ़िया से काम कर रही है, और ये फिल्टर से आप अपनी सेल्फी फोटोज भी इजिली ले सकते हो। एंड इसके बैक साइड के कैमरे में आप देख सकते हो जो कि बहुत ही ऑसम लग रही है एंड क्लाउड वगैरह बिल्कुल क्लियर लग रहा है एंड साथ ही स्काई को ब्लू कर दिया जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है एंड रियल आईफोन फिल्टर की तरह देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ट्रीज वगैरह को बहुत ही अच्छे से कलर करा है और जो सन की लाइट है वो भी परफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए गाइस अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट फिल्टर को। तो यहाँ पे हमने जो टाइप करा है उसे हटा देना है और यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया वाइब्स, एंड मैंने जैसे लिखा है मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल पे रखा है एंड वाइब्स को भी कैपिटल पे रखा है, तो वैसे आपको सेम यहाँ पे टाइप करने तभी आप यहाँ पे फिल्टर फाइंड आउट कर पाओगे। तो ऐसे वाली फिल्टर की पिक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जस्ट आपको इसे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे फिल्टर वर्क कर रही है और बिल्कुल आईफोन की तरह कलर ग्रेडिंग करके दे रही है। तो चलिए आपको बैक साइड का टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो बैक साइड का भी कैमरा बहुत ही अच्छी आ रही है, सन को देख सकते हो एंड क्लाउड को भी, एंड साथ ही स्काई भी बढ़िया ब्लू है और ट्रीज वगैरह को भी अच्छा से ग्रीन करा है। एंड देखते हैं आप थर्ड नंबर की फिल्टर को। तो गाइस इसमें आपको लिखना होगा HDR ग्लो एंड सारे लेटर को आपको स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पे फिल्टर नजर नहीं आ रही है, नीचे साइड देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाली फिल्टर है, इसे जस्ट आपको टैप करना है और आपके में भी आ जाएगी ये वाली फिल्टर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये वाली फिल्टर यहाँ पे क्लैरिटी इंक्रीज करा है, जिससे जो स्काई है एंड क्लाउड है वो क्लियरली नजर आ रही है, तो इससे आप अपनी पिक्चर को अच्छे से ले सकते हो। लेकिन ये सेल्फी के लिए बेटर नहीं है, सेल्फी के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा दो वाली जो कि बेस्ट है, तो उसे मिस मत करना। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में आपको टाइप करना है यहाँ पे सर्च पे MB लिखोगे ये आ जाएगी एंड कुछ इस तरीके से पिक्चर देखने को मिलेगी फिल्टर की, जस्ट टाइप करना है। एंड ये वाली जो फिल्टर है वो भी बहुत ही मस्त है, क्योंकि इसमें भी हमारी जो स्काई है उसे अच्छे से ब्लू कर रही है एंड इसमें थोड़ी सी HDR इफेक्ट डाला हुआ है, जिससे यहाँ पे और अच्छे से इफेक्ट देखने को मिल रही है। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हो आईफोन फिल्टर के लिए। एंड नेक्स्ट फिल्टर के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना है INDIE। सो अभी देख सकते हो फर्स्ट में मैंने किट नहीं लिखा है, बट यहाँ पे फिल्टर हमारी यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आपको जस्ट प्रेस करना है एंड ये फिल्टर आ जाएगी। एंड इस फिल्टर को भी आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। एंड मैं आपको क्लाउड पे दिखाता हूँ जो कि क्लियरली नजर आ रही है, और यहाँ पे जो हमारी लाइट करेक्शन है वो अच्छे से हुई है, बाकी इसमें भी स्काई मस्त ब्लू है एंड पेड़ पौधे भी बढ़िया ग्रीन से लग रहे हैं। और इस फिल्टर से भी आप बैक कैमरे से फोटो क्लिक कराना अच्छे आएंगे, सेल्फी में उतना खास नहीं आएंगे। एंड नेक्स्ट में आपको सर्च करना है HDR शिप करके, ये भी HDR इफेक्ट वाली है, क्योंकि इस तरह की इफेक्ट फोटो पे क्लैरिटी देने के लिए होती है। लाइक इसमें भी आप देख सकते हो क्लाउड में, लेकिन इसमें ब्लू इफेक्ट नहीं है स्काई पे, थोड़ी सी सिंपल है बट ग्रीन कलर को थोड़ा सा इनहेंस करके देती है। तो इस वाली फिल्टर पे भी ट्राई कर सकते हो। एंड देखते हैं नेक्स्ट फिल्टर कौन से है। तो इसमें आपको सर्च करना है के और उसके बाद डैश लिख देना, ये वाली फिल्टर आ जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो इस पिक्चर को जस्ट मैंने टैप करा, तो ये सेल्फी के लिए स्पेशली, बाकी आप बैक कैमरा से भी ले सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो अगर आप
आप सनसेट वाली फोटोज क्लिक कराना चाहते हो तो ये परफेक्ट है। एंड अगर स्काई थोड़ा सा ब्लू है तो ये वाली फिल्टर को आप ट्राई करोगे तो वो पूरी तरीके से मस्त स्काई ब्लू हो जाएगी, जो कि बहुत ही परफेक्ट लगती है। फिलहाल यहाँ पे स्काई पे बहुत ज्यादा क्लाउड थे इसीलिए ब्लू नहीं हो रहे हैं। एंड ट्रीज को भी अच्छे से यहाँ पे ग्रीनी करके इफेक्ट अप्लाई हुए हैं। तो पिछले फिल्टर में हमने सर्च करा था एंडी किट करके, लेकिन इसमें आपको सर्च करना है इंडिया काइट करके। ये अलग फिल्टर है उस फिल्टर से, लेकिन आईफोन की तरह आप ये देख सकते हो फर्स्ट में देखने को मिलेगी, जिसे आप चाहो तो सेल्फी भी ले सकते हो। लेकिन बैक कैमरा में बहुत ही औसम आएंगे, बिल्कुल एकदम रियल वाली आपको आईफोन फिल्टर ये वाली देखने को मिल रही है। मैं जो फिल्टर बता रहा हूँ उसे आप फेवरेट भी करते जाना अगर आप ट्राई कर रहे हो तो। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा स्काई है पूरी तरीके से ब्लू करके दे रही है यहाँ पे। अगर आपको ब्लू स्काई पसंद है तो ये वाली फिल्टर को जरूर ट्राई करना। बाकी अगर आप इन फिल्टर से वीडियो बनाना चाहते हो तो भाई प्लीज ट्राइपॉड यूज कर लेना, क्योंकि स्नैपचैट से आप वीडियो क्रिएट करते हो तो वीडियो स्टेबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ट्राइपॉड जरूर यूज करना। ओके, अगला फिल्टर में हम सर्च करेंगे आईफोन 12 CAM कैम एंड सर्च कर देना। एंड ये आपको नीचे में देखने को मिलेगी, एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिलेगी जिसमें कलरफुल आईफोन्स है। जस्ट इसे टैप करना है और ये वाली फिल्टर मेरी फेवरेट है, सेल्फीज में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है एंड क्लैरिटी भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो ये फिल्टर को जरूर ट्राई करना एंड फेवरेट कर ही लेना इसको। आप इसे इंडोर या आउटडोर कहीं भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये आउटडोर के लिए बेस्ट है। बाकी आप यहाँ बैक साइड पे देख सकते हो जो कि बिल्कुल परफेक्ट आईफोन वाली फिल्टर यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रही है, वो भी स्नैपचैट के अंदर में। एंड इसमें सब चीज है, जैसे स्काई ब्लू है और पेड़ पौधे भी बहुत ही बढ़िया से ग्रीन है, तो ये बेस्ट है एंड इसे मैं फेवरेट ही करके रखता हूँ। एंड अब आपको मैं लास्ट वाली सेल्फी के लिए एक बेस्ट फिल्टर दिखाता हूँ, तो इसके लिए आपको लिखना है फेस MB कैपिटल में और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। ये वाली फिल्टर देखने को मिलेगी जिसमें एक बंदर सा फेस है, सो इसे आपको टैप करना है। एंड ये वाली फिल्टर ना बिल्कुल परफेक्ट है सेल्फी के लिए, अगर आप फिल्टर अप्लाई करके फोटोज वगैरह लेते हो तो। ये वाली फिल्टर मैं सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। स्काई पे भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी ब्लू इफेक्ट करा है एंड जो आपके पेड़ पौधे हैं उसको आपको बिल्कुल कलर को डल कर देगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगती है। और ये वाली फिल्टर ना आईफोन के जस्ट अपोजिट है, आईफोन पे ट्रीज वगैरह एकदम ग्रीन रहते हैं लेकिन इसमें कलर बिल्कुल जीरो है। बाकी आप बैक साइड के कैमरे में देख सकते हो स्काई ब्लू है, लेकिन पेड़ पौधे कलर यहाँ पे कलर वगैरह नहीं है। फिर भी आप ट्राई करना, ये वाली फिल्टर बहुत ही बेस्ट है, बाकी सेल्फी के लिए तो काम ही आएगी आपकी, सो इसे भी फेवरेट जरूर कर लेना। सो ये थी गाइस आज की टॉप 10 फिल्टर इन स्नैपचैट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड 100 लाइक्स जल्दी से कंप्लीट कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं मोडी डार्क की स्नैपचैट फिल्टर देने वाला हूँ। 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं 24 आवर के अंदर, मैं वीडियो बना के 2 दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे अवसम वीडियो एंड फोटो एडिटिंग के वीडियो भी लाते रहता हूँ इस चैनल के अंदर में। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, बाय।